अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज फाइन। आज की वीडियो है स्किन मेकअप हॉल। मैंने कुछ चीज़ें जो है वो ऑर्डर करवाई थी, कुछ चीज़ें जो है वो पीआर में आई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं स्किन केयर की एक और पे से ऑर्डर करवाई थी, कुछ अपनी फ्रेंड से। सो मैं सारी की सारी ऑलमोस्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ भी ऑर्डर करवाई थी मैंने अपनी फ्रेंड से अमेरिका से, वो मैं अलग वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मेकअप एंड स्किन केयर है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अपनी फ्रेंड से ऑर्डर करवाई थी चीज़ें, वो कुछ इस तरह से हैं। मैक के बॉक्स इसमें बैग में, इसके अंदर सबसे पहले है जनाब ये सेरावे का हाइड्रेटिंग मिनरल सनस्क्रीन, बोर्ड स्पेक्ट्रम SPF 50, लाइट वेट, नॉन ग्रीसी फील, सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन। ठीक है, ये इसकी तारीफ मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो मैंने सोचा अच्छा चलो ट्राई कर लेते हैं। बट पाकिस्तान में आके जब वो लगा रही थी तो उसको पता चला कि ये बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट है। अब मैं यूज़ करके आप लोगों को रिव्यू बाद में दूंगी, लेकिन ये कुछ इस तरह से है। आपको पाकिस्तान में शाहीन से आई होप सो मिल जाएगा, क्योंकि मैंने देखा था शाहीन पर ये मिल जाएगा आपको। और प्राइस इसकी क्या थी, मैंने इसके पे किए हैं सब चीज़ों के, आपको मेरे ख्याल से मैं बाद में बताती हूँ कि मैंने इन सब चीज़ों के कितने पे किए हैं। एनीवेज, उसके बाद मैंने ये दो मंगवाए थे एल्फ के, हेलो ग्लो ब्यूटी वॉन्ड हाइलाइटर, दिस इज़ अ हाइलाइट रोज क्वार्ट्स एंड द शेड इज रोज क्वार्ट्स। या ठीक है, इसका कुछ शेड इस तरह से है, इसको डेफिनेटली इसका रिव्यू करेंगे और इसमें मुझे कौन सा क्या चीज़ नहीं मिली, मुझे ब्लश नहीं मिला इसका, क्योंकि ब्लश जो मैं वहाँ पे जा रही थी वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ था वहाँ पे, और दोबारा मेरी फ्रेंड गई नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरी चीज़ जो आई थी वो है ब्रॉन्जर, कॉन्टोर लाइट मीडियम ब्रॉन्जर। ठीक है, सो दूसरी चीज़ ये है, तो ये मैंने दो चीज़ें मंगवाई थी, ये वाली हाइलाइटर एंड कॉन्टोर ब्रॉन्जर। इसका जो है रिव्यू अलग से करेंगे डेफिनेटली। और एक और बहुत सी मज़ेदार चीज़ें हैं मैक की, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जिसके लिए। एक तो ये इनका हाइपर रियल सीरमाइजर प्राइमर है, दिस इज़ द प्राइमर, या हाइड्रेटिंग सीरम, या स्किन बैलेंस हाइड्रेटिंग सीरम है, और ये कुछ इस तरह से है। सो यू कैन यूज़ इट एज अ प्राइमर, तो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि मैक की चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी बाकी चीज़ों के नस्बत। तो ये और दूसरी चीज़ वो है जनाब इसका मैक स्टूडियो फिक्स एवरी वेयर ऑल इन वन फेस पेन। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस, मैं ये कब से ट्राई करना चाह रही थी, और मैंने कहा चलो अब मेरी फ्रेंड आ रही है तो मैं उसको कहती हूँ कि वो लेके। मैंने मंगवाया है, शेड है जनाब NC20। इससे पहले कि आप लोग पूछो मैं वैसे ही बता देती हूँ कि ये NC20 है, कुछ इस तरह से इसके आगे ये अभी पिन है, इसको निकालेंगे और मेरे ख्याल से इसको क्या करेंगे, क्या इसकी साइंस है, मैं इसको चेक करके फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। और इसका भी हम डेफिनेटली एक अलग रिव्यू करेंगे, क्योंकि रिव्यू तो बनता है एंड आई एम सो एक्साइटेड। इसको एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये ऑल इन वन है पूरे फेस पर, मतलब आपको अगर फाउंडेशन के तौर पर यूज़ करना है या आपको जस्ट कंसीलर के तौर पर, वो आपकी मर्जी है, इट्स ऑल अबाउट यू। तो ये होगी जनाब वो चीज़ें जो मेरी फ्रेंड लेके आई थी। ठीक है जी, सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है ये फिटमी की विटामिन सी फ्रेश टिंट SPF 50 के साथ। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि बोला भी नहीं जा रहा। तो सेकंड चीज़ है वो ये है, सेकंड चीज़ नहीं मतलब उसके बाद इसको लेके मैं काफ़ी, मतलब मेरा दिल चाह रहा था काफ़ी टाइम से कि मैं इसको ट्राई करूँ। ये टिंट है जो कि मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं तो ये मुझे अच्छा पिगमेंटेड लगा था काफ़ी ज़्यादा। तो अब लेट्स सी, इसको मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी कि कैसा है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे हाथ में है ये। और वैसे मैं नॉर्मली
फाउंडेशन या टिंट वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। बीबी क्रीम, सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ, बीबी क्रीम भी इतने को खास नहीं यूज़ करती मैं, ज़्यादा सिर्फ कंसील कर लेती हूँ। तो मेरा एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप या ये वाला मेकअप भी मेरा कंसीलर के साथ ही है, तो कंसीलर की अच्छी कवरेज हो तो मुझे कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है फाउंडेशन की। लेकिन मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। ये 2000 रुपीज़ का है, ये पाकिस्तान से ही लिया है मैंने, शाहीन केमिस्ट से, ठीक है, और इसकी प्राइस 2000 है। मेरा शेड जो है इसमें 2 है या 02, ठीक है जी। ये मैंने देख के लिया था अपना शेड अपने हिसाब से। उसके बाद मुझे पीआर में भी कुछ चीज़ें आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ, बिकॉज अभी मैंने वो भी ट्राई नहीं की हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उन चीज़ों को लेके भी। और बड़ी अच्छी अच्छी मज़ेदार सी चीज़ें आई हुई हैं पीआर में। एक ही आई हुई है निक्स ब्लर फाउंडेशन, और ये भी इसका शेड है सॉफ्ट बेज 06। ये भी टिंट फाउंडेशन है, ठीक है, ब्लरिंग टिंट फाउंडेशन, सॉफ्ट बेज शेड है मेरा। इसका रिव्यू भी करना है बिकॉज ये एज आ पी आर आया था तो रिव्यू तो बनता है, और वैसे भी ये नई प्रोडक्ट है तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि इसका रिव्यू करें, इसको यूज़ करके बताएं कि कैसी है, ब्लरिंग है तो आजकल के वेदर के हिसाब से ये कैसी है। उसके साथ ही मुझे आया हुआ है ये ब्लश, इसकी बहुत हाइप है आजकल, बहुत हाइप है इसकी, और इसकी प्राइस आई गेस 6500 रुपीज़ है पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत सारे मेरे फॉलोअर जो हैं वो इंडियन भी है तो वो फिर अपने हिसाब से बताते हैं कि पाकिस्तानी के हिसाब से, ठीक है। अबाउट फेस का ये ब्लश है और दिस इज़ सो प्रिटी, मैंने इसको स्वॉच किया था, दिस इज़ सो 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 प्रिटी, शेड इज़ सो प्रिटी, इट्स अ क्रीम ब्लश बट इट्स रियली ड्यूई क्रीम ब्लश, जितना मैंने स्वॉच किया था मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि अभी ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया, जस्ट फिंगर स्वॉच किया था वो भी अनबॉक्सिंग के लिए, ज़्यादा नहीं किया। सो इसका रिव्यू भी इंशाल्लाह मैं सून करने वाली हूँ। इसका नाम है चीक फ्रीक स्मैश, स्मैश इसका शेड है और चीक फ्रीक के नाम से है ये अबाउट फेस का, और वाकई इसकी बहुत हाइप है, आप चेक कर सकते हो इन ब्लशेस की, और स्पेशली इसमें जो पर्पल वाला ब्लश है इनका वो तो बहुत ज़्यादा इन है। उसके बाद जनाब जैकलिन हिल का ये लूज हाइलाइटर है पाउडर फॉर्म में। जैकलिन हिल की मैंने ब्लश ब्रॉन्जर जो है वो ट्राई की हुई है, मेरे पास है, उसकी भी मैंने हॉल किया था, उसमें बताया था बहुत अच्छा उनका पिगमेंट बहुत अच्छा है, तो मेरे पास वो पैलेट है ब्लश और ब्रॉन्जर का। ये है लूज हाइलाइटर एंड द शेड इज आर्म्ड, एंड मैं आपको स्वॉच भी दिखाती हूँ क्योंकि मैंने इसका हल्का सा स्वॉच किया हुआ है और मुझे आपको स्वॉच दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है, सो आई एम गोइंग टू स्वॉच इट फॉर यू। लाइट साहि अच्छा, लूज पिगमेंट वाले जो हाइलाइटर होते हैं ना इनका पिगमेंट बहुत अच्छा होता है, लाइक इंग्लॉट के जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पिगमेंट है उनका, बहुत ज़्यादा एकदम से ब्लाइंडिंग हाइलाइटर लगता है। सो अब इसका भी इंशाल्लाह सून सारे उन प्रोडक्ट्स के साथ होगा रिव्यू। सो ये थे जनाब मेकअप प्रोडक्ट्स, अब हम चलते हैं स्किन केयर की तरफ। तो मैंने क्या क्या, ये काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं जिसमें आई गेस कंसीलर भी है, ठीक है, और ये सारा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले क्योंकि हम मेकअप पे ही चल रहे थे तो मैं आपको कंसीलर दिखा देती हूँ। ये मैंने फ्लोरेंस का बाय मिल्स कंसीलर मंगवाया था, आई गेस मुझे लग रहा था ये शेड मेरा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये शेड थोड़ा सा जो है इसका वॉन्ड नहीं है आगे से, ये इस तरह से, ठीक है, अब मुझे ये लग रहा है कि ये लाइट सा मेरे से डार्क है, लेकिन इट्स ओके, हम इसको भी चलाएंगे, और शेड कहीं पे और मेंशन नहीं है सो इसको हम इस तरह से ही लेंगे। LM075, आई डोंट नो, आप चेक करेंगे इनकी वेबसाइट पे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। सो ये कंसीलर मंगवाया था मैंने, इसके अलावा मैंने इनसे ये मंगवाया था क्लिनिक का इम्परफेक्शन, ये क्या कह सकते हो, मेरे माइंड से निकल गया इसका, कार्टेज है ये, ठीक है, ये इनकी जो आती है मॉइस्चराइज़र उसके अंदर आप ऐड करते हो इसको
और इसको लूज करके हिस्सा छोड़ देते हो, और उसका जो कैप होता है, उसका जो पंप होता है, वो निकाल देना। आप नहीं इसका पंप यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो सीरम होगा वो उसके अंदर क्रीम के साथ मिक्स होकर फिर वो आपके हाथ पे निकलता है। सो ये वाला जो मैंने कार्टेज मंगवाया था, ये नंबर 2 है इम्परफेक्शंस का। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है क्रीम वाला जो इनकी बॉटल है वो मेरे पास है, और मैं उसी के अंदर इसको ऐड करूँगी। सो इसको फिर मैं बताऊँगी आपको कि कैसा लगता है, इसका यूसेज क्या है, कितना इम्परफेक्शंस को ये परफेक्ट करता है। क्लिनिक की प्रोडक्ट्स वैसे अच्छी हैं ओवरऑल देखा जाए तो। जैसे उनका जेल मॉइस्चराइजर है वो बहुत अच्छा है, और मेरे पास जो येलो वाला इनका मॉइस्चराइजर है जिसके अंदर मैंने ये कार्टेज डाला है वो भी बहुत अच्छा है जी। उसके बाद मेरे पास एस्टी लॉडर की प्रोडक्ट्स हैं जो कि ट्रेवल साइज में हैं। मैंने ये ऑर्डर की थी इनसे, ये अच्छी रहती हैं। जब मुझे ट्रैवल करना होता है ना तो मैं इनको यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ईजी लगता है। और दूसरा ये कि ये इस हिसाब से भी अच्छी है कि आप यूज़ करके देख लें, आपको सूट करती हैं तो ठीक है, आप आगे बड़ी बॉटल ले सकते हो, अदरवाइज आप मेरी तरह स्मॉल वाली ही चला सकते हो, काफ़ी टाइम चल जाती हैं और फिर आप दोबारा ऑर्डर करते हैं और आपकी पॉकेट पर बहुत हैवी वाली डोज नहीं लगती है। तो बहुत सारे लोगों को जो है ना गए ये हाई एंड में, तो ये इनकी एक ही बॉटल जो नॉर्मल आप लेते हो 15,000-18,000 की है, तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है पॉकेट के लिए। ऐसे ये 1500 का मिला है मुझे, और ये 15 ml है। 15 ml इट्स गुड। इस ये है जनाब विटामिन सी, ठीक है, रैपिड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट फर्मेंट प्लस विटामिन सी सीरम। सो ये विटामिन सी इनका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने 2 ये ऑर्डर किए हैं और 2 ही इनकी आई क्रीम भी ऐसी ऑर्डर की, मुझे बहुत पसंद है। मुझे उनका नाइट रिपेयर सीरम भी चाहिए था, वो नहीं मिला मुझे, तो लेकिन मैं फिर ऑर्डर करूँगी इन्हीं के पेज से। मैं हमेशा इन्हीं के पेज से ऑर्डर करती हूँ नाइट रिपेयर सीरम, वो भी मुझे इसी साइज़ में अच्छी प्राइस में मिल जाता है। सो ये इनकी आई क्रीम है ऐसी ऑर्डर की, नाइट रिपेयर आई क्रीम, और इसके अंदर भी कितने ml है, ये 3 ml है। मतलब आपको मैं ml भी दिखा देती हूँ, ये इस तरह है, ओके, बिकॉज आई हैव अदर आई क्रीम्स ऑल्सो, तो ये भी चल जाती है। स्पेशली मुझे ट्रैवल में या फिर अपने जब मैं मम्मी की तरफ जाती हूँ तो मैं बैग में ऐसी छोटी चीज़ें रख लेती हूँ, वो ईजी रह जाती हैं। ड्रंक एलिफेंट का एफ बाम इलेक्ट्रोलाइट वाटर फेशियल मास्क हाइड्रेट। अच्छा ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है लेकिन इसकी स्मॉल साइज पे, और ये अभी मुझे मिला है 50 ml 9000 में, क्योंकि आपदा ने ये सेल पे उठाया हुआ था और वो फिर हमको ग्रुप में बता देती है। एक्चुअली वो ग्रुप व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें हम सबको बता देती कि ये वाली प्रोडक्ट है, जो पहले डन कर देता वो ले लेता। सो मैंने पहले ये डन कर दी थी, उनके पास एक ही थी, तो ये मुझे पड़ा है 9000 का। अदरवाइज ट्रंक एलिफेंट के ये आपको आराम से 25 से 30 के बीच में मिलती हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस वाली परचेज से। और इसकी जनाब पैकेजिंग आपको दिखाते हैं, तो इसके अंदर डबल पैकेजिंग है। ये है जनाब एफ बाम हाइड्रेटिंग मास्क, साइज इज अ गुड, ये काफ़ी टाइम तक बड़े आराम से चलेगा, ठीक है जी। और साथ में इसके आया है छोटू सा ट्रेवल साइड्स नाइट ग्लाइकोलिक नाइट सीरम, जो कि इनका सबसे बेस्ट है। मेरे पास इसकी भी इतना वाला नहीं, मेरे पास इनका बड़ा वाला है जिसमें आई गेस कितने हैं, आई डोंट नो कितने ml है वो, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, इससे छोटा साइज है, और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसकी प्राइस पूछी थी तो मुझे वो 30+ का मिल रहा था सिंगल, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी हौसला नहीं है, तो ये मुझे साथ में मिला है। और इसके अंदर है 3 ml ग्लाइकोलिक नाइट सीरम, विच इज़ रियली वेरी गुड, जो कि आपकी स्किन पे पता चलता है यूज़ करने के बाद कि आपने कुछ यूज़ किया है, रियली 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 गुड। तो जनाब ये रही मेरी आज की स्किन एंड मेकअप हॉल, आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो आज का हॉल आपको कैसा लगा आप तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मुझे बड़ा मज़ा आया अपनी सारी चीज़ें देख के, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब मैं इनका आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ रिव्यू करती जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, आप लोगों को जो चीज़ अच्छी लगेगी आप ज़रूर ट्राई करना। अच्छा दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ चीज़ें होती है जो हम मेरी स्किन पर सूट कर रही हैं और कुछ मेरी स्किन पर सूट नहीं कर रही होती, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन पर सूट ना करें, या आपकी स्किन पर भी मस्ट है जो मुझे सूट करता है वो भी सूट करें, तो हर एक की स्किन अलग होती है, लेकिन मोस्टली चीज़ें मुझे सूट कर जाती हैं
अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए कि मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो मुझे सूट कर जाती हैं, तो मुझे मोस्टली अच्छे रिव्यूज ही चीज़ों से मिलते हैं, बहुत कम होता है जो मुझे चीज़ें सूट ना करें, तो ये बात भी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊंगी एक और चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो एक अलग पूरी वीडियो होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी वो चीज़ क्या है, बहुत मज़ेदार सी चीज़ है और उसको यूज़ भी करेंगे उसी वीडियो में, रिव्यू भी होगा, अनबॉक्सिंग भी होगी, बड़ा मज़ा आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।